नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल हेमा मोहता पर स्वागत है। आज मैं आपको कस्टर्ड मैंगो बॉल की रेसिपी बता रही हूँ। तो चलिए कस्टर्ड मैंगो बॉल बता रही हूँ। सबसे पहले कस्टर्ड तैयार करना है। कस्टर्ड मेरे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं, कस्टर्ड मैंगो का वीडियो अपलोड किया है। ब्रेड को इस तरह से राउंड शेप में कट किया है और मैंगो के पीसेस हैं, मिल्क पाउडर, थोड़ा सा बटर, क्रीम मतलब मलई ली है मैंने, और दूध, और डेकोरेशन के लिए मैंगो के पीसेस छोटे, चेरी, काजू, पिस्ता, बादाम। मैं आपको पेस्ट बनाना सिखाऊंगी जो हमें स्लाइस के ऊपर लगाना है, ब्रेड स्लाइस के ऊपर। बटर लेना है कढ़ाई में, और बटर गर्म होने के बाद उसमें ये आधा कप से थोड़ा ज़्यादा दूध ऐड करना है, और उसको अच्छे से उबल आ गई तो उसमें क्रीम मिक्स करना है। इसको थोड़ा जाड़ा बनाने के लिए हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर थोड़ी थोड़ी करके डाल के हिलाते हिलाते हुए डालना है ताकि उसकी गठान ना हो जाए। इस तरह से जाड़ा हो गया है, और इसको थोड़ी सी मिठास के लिए हम इसमें एक चम्मच शक्कर डालेंगे और गैस बंद कर देंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, ब्रेड के स्लाइस को हमें इस तरह से राउंड कटिंग करना है। आप कैंची से इस तरह से राउंड कटिंग कर सकते हैं। अब ये राउंड है, हमने इसे थोड़ा सा दूध लगाना है इस तरह से। दोनों राउंड को एक ऊपर से और एक नीचे से दो लेंगे हम, तो हम इस तरह से दूध लगाएंगे ताकि वो थोड़ा सा गीला हो जाए और बॉल अच्छे से हो जाए हमारा। आप सिंगल भी ले सकते हैं ब्रेड स्क्वायर कटिंग करके, पर ये अट्रैक्टिव लगता है। इस तरह से हमने ये पेस्ट लगाई है। पेस्ट लगा के हम ये मैंगो पीसेस में रखेंगे। मैंगो मीठा है, और अगर नहीं है तो आप उसे शक्कर भी लगा सकते हैं पीठी हुई। इस तरह से हम अब इसको बॉल बनाएंगे। इस तरह से लड्डू जैसे उसे बॉल बनाना है राउंड राउंड लेते हुए। मैंने ये तैयार करके रख दिए। अब इसे हम 20 से 25 मिनट तक डीप फ्रिज में रख देंगे। एक फ्रिज में से निकाल दिया है, ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में लेंगे, उसके ऊपर ये हमारा रेडी कस्टर्ड डालेंगे, और डेकोरेशन के लिए हम उसके ऊपर छोटे छोटे मैंगो के पीस, थोड़ी सी चेरी, पिस्ता, बादाम के काप इस तरह से डाल के हम खा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।